नमस्कार दोस्तों, मैं उदय प्रताप सिंह, इंग्लिश बायोदा यूट्यूब चैनल पर बच्चों का आप लोग का स्वागत है। जूनियर एडेड इंग्लिश को लेकर जो बहुत दिनों से जो परेशानी चल रही थी, कोर्ट ने डेट एक्सटेंड कर दी थी, अब वो खत्म हो गया है। वैकेंसी आ चुकी है, फॉर्म भरे जा रहे हैं। 18 अप्रैल को आपका एग्जाम है, तो बच्चों डोंट वेस्ट योर टाइम। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, एक रूमर फैला हुआ है कि लिटरेचर आएगा, ये आएगा, वो आएगा, बहुत डर रहे हैं बच्चे। आज इस वीडियो को देखने के बाद यकीन मानिए, इंग्लिश अगर आपने लैंग्वेज के रूप में ऑप्ट की है एडेड के एग्जाम में, जूनियर एडेड के एग्जाम में, बहुत अच्छा एग्जाम है, बहुत अच्छी सैलरी भी है और बहुत अच्छा करियर आप बना सकते हैं टीचिंग के क्षेत्र में, राइट। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, आज पूरा वीडियो प्रॉपर आप देखिए और जैसी चीजें मैं आपको बताऊंगा, जो जो चीजें मैं बताऊंगा, निश्चित तौर पर आप एग्जाम क्लियर करेंगे, 100% क्लियर करेंगे अगर आपने इंग्लिश सब्जेक्ट लिया है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, टेलीग्राम चैनल है हमारा इंग्लिश बाय उदय सर के नाम से, इसमें जुड़ जाइए, क्योंकि लिटरेचर के पूरे फ्री में नोट्स में पीडीएफ टेलीग्राम में डालने वाला हूं। तो ये बात मैं पहले ही अनाउंस किए दे रहा हूं कि लिटरेचर के फ्री में, और लिटरेचर केवल जूनियर एडेड के हिसाब से, ना कि टीजीटी और पीजीडी के हिसाब से। मैं आपको बता रहा हूं, बहुत से बच्चे जो टीजीटी पीजीडी का एग्जाम देने जा रहे हैं, उनको लग रहा है उस लेवल का आएगा। नहीं बेटा, बिल्कुल बेसिक चीजें पूछी जाएंगी, आप परेशान ना हो। हम लोग को लग रहा था पता नहीं सिलेबस में इस बार कुछ वो डिटेल बताएंगे, लेकिन ऐसा कुछ उन्होंने नहीं बताया, राइट। तो चलिए खैर, अभी टेलीग्राम में आप लोग जुड़ जाइए, इंग्लिश बाय उदय सर के नाम से टेलीग्राम है, उसमें मैं सारा मैटर डालूंगा, फ्री में डालूंगा सारी पीडीएफ, राइट। बहुत से लोग इसका पेमेंट ले रहे हैं, लेकिन इसका पीडीएफ का कोई पेमेंट आपसे नहीं लिया जाएगा, जो बैच होगा प्रॉपर उसका देखा जाएगा, ठीक है बेटा। फेसबुक पर इंग्लिश बाय उदय सर के नाम से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, 8299752730 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, 9613947257 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस पर जूनियर एडेड इंग्लिश लिखकर 9613947257 पर आप भेज दीजिएगा, आपको बैच में ऐड कर लिया जाएगा, राइट। तो चलिए आइए इसके बारे में मैं डिटेल से आपको बताता हूँ, ठीक है। तो जूनियर एडेड के बारे में थोड़ा ये डिटेल से हम लोग अध्ययन करते हैं। तो जूनियर एडेड हाई स्कूल टीचर इंग्लिश सिलेबस में डिस्कस करने जा रहा हूँ। एग्जाम पैटर्न आप लोगों को पता ही है, सभी यूट्यूबर्स बता रहे हैं, ऑलरेडी नेट पर भी आ गया है कैसे होगा, कितने नंबर की क्या चीज आएगी, ठीक है। तो आप लोग को बेटा बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, पूरा वीडियो प्रॉपर तरीके से देखते रहे, ठीक। तो देखिए क्या क्या आ रहा है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज। हम लोग को लग रहा था कि इस बार जब नोटिफिकेशन आएगा तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में कौन से एज, कौन से राइटर, क्या चीजें पूछी जाएंगी सब बताया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इस बार भी हमको निराशा ही हाथ लगी है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर लिख के उन्होंने छोड़ दिया है। लेकिन ये हम लोग का काम है बेटा कि हम आपको इस तरह से पढ़ाएंगे कि एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आएगा बेटा, यकीन मानिए, राइट। ग्रामर, ग्रामर के सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड हो चुके हैं, ये समझ लीजिए 60% अकेले 60% ग्रामर आने वाली है, राइट। अनसीन पैसेज, ठीक है, एक या दो से ज्यादा अनसीन पैसेजेस नहीं आएंगे बेटा, तो ये चीज भी आप ध्यान रखिए। अनसीन पैसेज के लिए भी आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, फ्री लाइव डिस्कशन अनसीन पैसेज का भी कराया जाएगा। ग्रामर के सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड हो चुके हैं, बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, राइट। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और लैंग्वेज के बारे में जो चीज बताने जा रहा हूं, सुनिए आप लोग, राइटर्स जनरल इंट्रोडक्शन और देयर वर्क, केवल इतना लिख के उन्होंने दे दिया है। अब हम लोग को करना क्या है, आइए देखते हैं किस तरह से पढ़ना है। तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में देखिए क्या करना है आपको, ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इंपॉर्टेंट पीरियड्स हैं, बस इसी को आपको पढ़ना है और इसमें भी बहुत डीप में नहीं जाना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्क हुए, किस राइटर ने क्या लिखा, ड्रामा, पोइट्री, वॉट एवर, लाइन्स इंपॉर्टेंट किसकी है, इस तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ओल्ड इंग्लिश में देखिए एंग्लो सैक्सन पीरियड आपको पढ़ना है, इसमें मैं पूरा एक एक पीरियड अलग अलग पढ़ाऊंगा, मिडिल इंग्लिश पीरियड, रेनेसेंस, न्यू क्लासिकल पीरियड, रोमांटिक पीरियड, विक्टोरियन, एडवर्डियन, जॉर्जियन, मॉडर्न पीरियड, पोस्ट मॉडर्न पीरियड। इसमें देखा जाए तो टीजीटी पीजीटी में जिस तरह से आप बहुत ही डिटेल में पढ़ते हैं, ऐसा नहीं जाना है बेटा। जूनियर एडेड में बहुत डिटेल से, बहुत बेसिक नहीं जाना है, इतना समय भी नहीं है, ये चीज एग्जामिनर भी जानता है, तो ये चीज समझ लीजिएगा। इस तरह से क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे कि आप कर ही ना पाओ, ठीक है, बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें पूछी जाएंगी। इसके नोट्स प्रॉपर बन रहे हैं, क्लासेस रिकॉर्ड हो रही हैं, आप लोगों को प्रॉपर बेसिक से मिल जाएगा और जूनियर एडेड के हिसाब से ही हम लोग पढ़ा रहे हैं बेटा, तो आप कंफ्यूज ना हो, बहुत ज्यादा किताबों के चक्कर में ना पढ़े, केवल आप जो मैं बता रहा हूं उतनी चीजें सुने, उतनी चीजें देखें, राइट। तो ये जैसे बस इसी को पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। इनके अंदर क्या क्या हुआ, क्या क्या बदलाव हुआ, कैसे रेनेसा आया, न्यू क्लासिकल पीरियड में क्या हुआ, रोमांटिक एज में क्या हुआ, विक्टोरियन में क्या हुआ, ठीक है, एंग्लो सैक्सन में क्या हुआ, तो ये सारी चीजें बेसिक बेसिक मैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में बताऊंगा आप लोग को, ठीक। इसके बाद आइए देखिए ग्रामर, पहला हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आ रहा है जो मैंने बताया, और फिर मैंने बताया कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है बेटा, और इसमें भी जो बेसिक बेसिक पॉइंट है वो मैं क्लासेस में आपको बताऊंगा, क्लियर। अब आइए एबिलिटी टू अप्रोच द नॉलेज ऑफ सिंटैक्स, ये बेटा किसका पोर्शन है, ग्रामर का पोर्शन है, ग्रामर नहीं, ग्रामर, राइट, ये ग्रामर का पोर्शन है। ग्रामर में देखिए टेंसेस, मॉडल्स, वॉइस, सब्जेक्ट, वर्ब, कॉनकॉर्ड को ये एग्रीमेंट बोलते हैं, कनेक्टर्स,
क्लॉजेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पंक्चुएशन, सीक्वेंसिंग ऑफ फॉर्म, कोहेरेंट सेंटेंस और पैराग्राफ, मतलब रीअरेंज करना है, एक वो स्टोरी को ऊपर नीचे कर देगा उसको रीअरेंज करना है, सब मुझ पे छोड़ दीजिए। ग्रामर के 50+ लेक्चर पूरे रिकॉर्ड हो चुके हैं जूनियर एडिट के हिसाब से, तो आप तुरंत एडमिशन ले लें बेटा, बिल्कुल भी अपना टाइम बिल्कुल ना वेस्ट करें। और ग्रामर बेटा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, मैं बता रहा हूँ, 25 नंबर से ज्यादा लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर नहीं आएगा, ये बात एग्जामिनर भी जानता है, कितने शॉर्ट टाइम में नोटिफिकेशन आया है। लेकिन ग्रामर ग्रामर क्योंकि बच्चे टेट में भी पढ़ रहे हैं, सुपर टेट में भी पढ़ रहे हैं, केवीएस में भी पढ़ रहे हैं, बहुत से एग्जाम में आती है, ग्रामर प्रॉपर आपसे पूछी जाएगी। ग्रामर के लगभग 50+ मैंने 50+ लेक्चर्स रिकॉर्ड कर दिए हैं, मेरे प्लेलिस्ट में पढ़े, फ्री में आप जाके देख सकते हैं। और मैंने केवल कॉन्सेप्ट नहीं, क्वेश्चंस भी पढ़ाए हैं, क्वेश्चन के साथ साथ मैंने कॉन्सेप्ट बताए, तो आप प्रॉपर वहां से चीजें क्लियर कर सकते हैं बेटा, ठीक है। तो कुछ आपको अलग से नहीं पढ़ना है, ठीक, यही ग्रामर। इसके अलावा आर्टिकल्स हैं, कुछ चीजें और हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, एक्टिव पैसिव वॉइस है, ऐसे ऐसे मैंने वीडियो एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के पढ़ाए, 5 सेकंड के अंदर आंसर आ रहा है, आप प्रॉपर बेटा देखें जाके, ठीक। तो ये ग्रामर हो गया। इसके बाद देखिए ऑथर्स एंड देयर वर्क। अब देखिए ऑथर्स एंड देयर वर्क में उसने हम लोग को बहुत कंफ्यूज किया है नोटिफिकेशन ने, ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। देखिए टीजीटी में लगभग ये ऑथर है, आपको पता ही है, शेक्सपियर है, मिल्टन है, वर्ड्सवर्थ है, ग्लॉसवर्थी है, राइट, ये है। और पीजीटी में ये है विलियम वर्ड्सवर्थ, कीट्स, लैम, शेले, डिकेंस, अर्नॉल, टेनिसन, हार्डी, इसके अलावा देखिए एलेच, दास, ठीक है, मुकुल राज आनंद, एजिकील, फ्रॉस्ट, विटमैन, ठीक है, हेमिंगवे, फ्लॉकर एंड विलियम शेक्सपियर, ठीक है, फॉल्कनर एंड विलियम शेक्सपियर, ये कुछ राइटर्स हैं। अब अच्छा यही होगा कि भाई टीजीटी ना देख के केवल जो पीजीटी के राइटर्स हैं, ये जो राइटर्स हैं इनमें बहुत बहुत डिटेल में नहीं, केवल इनका जन्म आप लोग देख लीजिए, कहाँ से रिलेटेड थे, कौन सी इनकी बुक्स थी, कौन सी उन्होंने लाइंस कहीं, इस तरह से दे देगा, एक लाइन दे देगा, लाइन किसकी है, पोएम की दे देगा, ड्रामा का दे देगा, ड्रामा में कोई बात किसी ने किससे कही तो ये किस राइटर ने कही थी, इस तरह से बेटा चीजें पूछी जाएंगी ऑब्जेक्टिव टाइप में। तो बेहतर होगा आप पीजीटी के जो राइटर्स हैं और इसमें भी जो इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं वो मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, उनके वर्क्स को देख लें, यही सब पूछा जाएगा बेटा जूनियर एडिट में, आप बिल्कुल परेशान ना हो। जूनियर एडिट की इंग्लिश प्रॉपर तरीके से मैं बता रहा हूँ, प्रॉपर तरीके से आपका एग्जाम निकलेगा, राइट। तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं बेटा, आप एडमिशन लें और आराम से पढ़ें बैठ के, राइट। तो जिस बच्चे को भी एडमिशन लेना है पेड कोर्स में, पीडीएफ बिल्कुल फ्री मिलेगी, पीडीएफ का कोई चार्ज नहीं है, राइट, बिल्कुल मिनिमम फीस है इस नंबर पर 9616947257 पर, अपना नेम, सिटी या स्टेट लिखकर भेज दें, राइट, और इस पर व्हाट्सएप आपको करना है, 10 मिनट्स के अंदर आपको क्लासेस मिलना शुरू हो जाएंगी। अब मैं आपको बता दूं कितने मार्क्स का क्या रहेगा, किस तरह से आपको पढ़ना है, राइट। तो देखिए जो ग्रामर का पोर्शन है 55-60% पेपर आ जाए तो वीडियो बेटा आप देख लीजिएगा फिर से, 60% ग्रामर आने वाली है, राइट, 15 मार्क्स का लगभग पैसे जाने वाला है, ठीक है, और इसी में देखा जाए बिल्कुल, और 25 मार्क्स में ही लिटरेचर, राइटर्स, जनरल इंट्रोडक्शन और उनका वर्क आएगा। तो बहुत डिटेल में नहीं जाना है जूनियर एडमिट, फिर मैं बार बार ये लाइन में बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि राइटर को आप 10-10 दिन पढ़ते रहो, इतना समय नहीं है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हम लोग पढ़ा रहे हैं, वही कीवर्ड्स आप पढ़ लें, इसी से बेटा आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो जिस बच्चे को भी एडमिशन चाहिए आज ही वो एडमिशन ले, ताकि दिक्कत ना हो, बेसिक से पढ़ना वो स्टार्ट कर दे, तो इस नंबर पर बेटा आप अपना नेम, स्टेट या सिटी जहां से भी आप बोल रहे हैं, राइट, उसको लिख दें और आपको 10 मिनट के अंदर क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है, चलिए। और ग्रामर के लेक्चर्स और बहुत सारे जो प्रैक्टिस सेट है ऑलरेडी इंग्लिश बाय उदय सर प्लेलिस्ट में है, आप जाके देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, और लग जाइए पूरे डेडिकेशन के साथ, सिलेक्शन 100% होगा आप लोगों का। थैंक यू वेरी मच।